बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। बनीनत न्यूज़ से मैं हूं अबू जर गफारी। चमन और तुर्बत में अस्करियत पसंदों के अलहदा अलहदा हमलों में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया है। जिला केच में तुर्बत के इलाके दनोक गोगदान में नामालूम अस्करियत पसंदों ने फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की गाड़ी पर हमला किया। एफसी एहलकारों ने हमला आवरों से मुकाबला किया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक सूबेदार समेत 4 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। शहदा और जख्मी फौजी को तुर्बत डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शहीद फौजियों की शनाख्त सूबेदार अजहर हुसैन, सिपाही जुल्फकार अली, नायक मोहम्मद इब्राहिम और नायक साजिदुल्ला के नाम से हुई है जबकि नायक सुलेमान जख्मी हुए हैं। चमन में होने वाले एक अलहदा हमले में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से लेवीज का एक सिपाही शहीद हो गया है। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त शहीद सिपाही कॉलेज रोड पर ड्यूटी पर मामूर थे। बाद अज़ां उनकी शनाख्त बशीर अहमद के नाम से हुई है। पुलिस ने मजीद कहा है कि मुतअद्दिद गोलियां लगने के बाद सिपाही मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वाज़ह रहे कि तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ जंग बंदी खत्म करने के बाद बड़े पैमाने पर हमलों का सिलसिला शुरू किया है जिसके नतीजे में अब तक मुतअद्दिद फौजी और आम शहरी जान बहक और जख्मी हुए हैं। ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।